मल्टीमीटर से क्या नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी भूतल से ऊंचाई। भौतिक तुला कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी समानांतर बल के नियम पर। जूल अपने निलिखित की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की। अश्व शक्ति किसका एकक है। ऑप्शन नंबर सी शक्ति का। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ए रोमर में। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल। ऑप्शन नंबर एक कम हो जाएगा। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर सी स्थितिज ऊर्जा। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है उसके गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर बी माध्य स्थिति पर। किसी कक्षा से अलग उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रत्यास्थ बल। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी स्थिर रहेगा। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर डी संघाति। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है।
लेंस का नियम इसके संरक्षण के नियम का नतीजा है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक बाइसन अनुपात। निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है? ऑप्शन नंबर डी गियर ड्राइव। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? नंबर एक मार्कोनी। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर सी विद्युत। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी आणविक घड़ी का।